अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोश्त का अचार। तो इसके लिए हमें लेना होगा 1.5 किलो गोश्त। इसे अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें गोश्त डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून साल्ट डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसे 3 से 4 विसल्स तक पकाएंगे। हम ले लेंगे 1 कप गार्लिक, 1 बंच करी पत्ता, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 6 से 7 लेमन का जूस, 3 से 4 प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। अब हम ये पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल के चॉप कर लेंगे। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तब हम इसमें फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। वन कप गार्लिक, टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को चॉप्ड कर लीजिए। जब ये सब चीज़ें आधे चॉप्ड हो जाएंगे, हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। हमने एक पतीला ले लिया और हमने इसमें ऑयल डाल लिया है जो हमने ऑनियन फ्राई किया था। तो अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। हाफ टी स्पून जीरा, 1 पिंच कलौंजी, 1/2 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, सूखी मिर्च 6 से 7। इसे फ्राई कर लीजिए। करी पत्ता, जो गोश्त हमने प्रेशर कुकर में गलाया था वो डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून मिक्स कर लीजिए।
तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ग्रान हमने किया था मसाला वो डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। हमारे अचार में ऊपर ऊपर तेल आ गया है तो ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं। हमारा गोश्त का अचार तैयार हो गया है और यहाँ देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा बना है। अल्लाह हाफ़िज़।